बचपन के जो किस्से होते हैं ना, वो बहुत सारी चीज़ें होती है बचपन में जो अपन उसे पागल मंती में करते हैं, और जब अपन अभी उसको सोचते हैं तो बहुत हंसी आती है उस चीज़ को सोच के। तो अभी मैं ऐसी एक जो घटना है वो जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और मेरी सच्चाई मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कहानियाँ बनाना और सपने सजाने की आदत मेरी बचपन से थी। और जब मैं करीब 4-5 साल की थी तब मैंने एक अपना अलग ही गेम इन्वेंट किया था। उस गेम के बारे में बताऊंगी मैं आपको। वैसे तो उन दिनों हम सुबह शाम कई सारे गेम खेला करते थे, जैसे लुका छुपी, पकड़म पकड़ाई, किचन सेट, बारबी डॉल, घर घर जाने क्या क्या, सारे बड़े मजेदार होते थे। सुबह और शाम का जो वक्त था ना, वो तो मानो जैसे छू करके निकल जाता हो। लेकिन ये जो दोपहर का समय होता था ना, वो बड़ा ही बोरिंग करता था। और मुझे पता नहीं क्यों उस बोरिंग समय को काटने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ही होता था। तो मैंने अपने दोपहर की बोरियत को मिटाने के लिए एक बड़ा ही वियर्ड सा गेम इन्वेंट किया, और इस गेम का बड़ा ही वियर्ड सा नाम भी रखा, अकेले अकेले। है ना मजेदार? और जितना मजेदार इस गेम का नाम है उतना मजेदार ये गेम भी था। अब अकेले अकेले खेलने के लिए मैं सुबह जल्दी उठ जाया करती थी, जल्दी नहा धोकर अम्मा बाबा के साथ खाना खाते समय कुछ टीवी पे सीरियल देख लेती। वैसे तो उन दिनों टीवी पर भी डीडी नेशनल और डीडी न्यूज के अलावा कुछ आता नहीं था, फिर भी मैं कुछ देख ही लेती थी और वेट करती कि कब मम्मी अपने काम से फ्री हो और सब लोग सोने चल जाएं। जब सब अपने अपने काम से फ्री होकर अपने अपने रूम में सोने चल जाते थे तब मेरा ये अकेले अकेले वाला गेम स्टार्ट होता था। इस गेम में मेरी ही कहानियां होती जो या तो मैं खुद बनाती थी या टीवी शोज की कहानियों को तोड़ मोड़ के सजाती थी। कभी मम्मी की चुन्नी और पुराने चादर से कभी खुद को सुपर हीरो बनाती, कभी एक्ट्रेस, कभी कोई परी, कभी कोई रानी और ना जाने क्या क्या। घर के सारे कबाड़ और फालतू के सामानों को मैंने मेरी इस गेम में जगह दे रखी थी। जैसे वो भैया का जो पुराना वाला बैट था ना, वो कभी गिटार बन जाता तो कभी तलवार, वैसे ही दादाजी की टोपी कभी मेरे ताज बन जाती, पता ही नहीं चलता। वैसे सच कहूँ ना तो खुद की कहानियाँ, खुद की डायलॉग्स का ना मजा ही कुछ और होता है। अब सोचती हूँ तो काफी हंसी आती है कि कैसे मैं अपनी ही कुछ सपनों की दुनिया में खोकर अपने को रानी मानकर बड़े ऐप से चला करती थी, और शायद इसी सपनों की दुनिया को तो बचपन कहते हैं ना। उस छोटी सी उम्र में मैंने हॉरर, एडवेंचर, रोमांटिक, थ्रिलर और फैंटेसीज ना जाने कितने जॉनरेस ट्राई कर लिए थे, और तब तो मुझे जॉनरेस का मतलब भी नहीं पता था कि था। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं थी, ना किसी की ज़रूरत और ना ही कोई चाहिए था जिससे मैं मेरी बातें शेयर कर सकूं। बस मैं, मेरा प्यारा सा दिल और मासूम सा दिमाग, हम काफ़ी थे मेरे इस गेम को रोमांचक बनाने के लिए। समय के साथ साथ मैं बड़ी हो गई, ये सिलसिला कुछ 5-6 साल तक और चला होगा, और फिर मैं बड़ी हो गई, जिम्मेदारियां बढ़ गई थी, पढ़ाई बढ़ गई थी, दोस्त बढ़ गए थे, और सबसे बड़ी बात टीवी पर आने वाले प्रोग्राम्स भी बढ़ गए थे। और कुछ सालों बाद आ गया था एक नया दोस्त जिसे हम प्यार से मोबाइल कहते थे। तो होना ही क्या था, धीरे धीरे मेरा वो अकेले अकेले वाला गेम ना कहीं छुप गया, और साथ ही छुप गया मेरा वो मासूमियत भरा बचपन। लेकिन उस अकेले वाले गेम ने मुझे बहुत कुछ सिखाया था, मुझे इमेजिन करना सिखाया था, मुझे सिचुएशंस हैंडल करवाना सिखाया था, मुझे उस छोटी सी उम्र में क्रिएटिविटी का फर्स्ट एक्सपीरियंस करवाया था, मुझे सपने देखना सिखाया था, बंद आँखों से नहीं बल्कि खुली आँखों से उन्हें जीना सिखाया था। हम जब बड़े हो जाते हैं तो काफ़ी चीज़ें बचपन के हम पीछे छोड़ जाते हैं। धीरे धीरे वो गेम तो चल गया था, लेकिन आज भी उसका एहसास है। जब भी मैं अकेली होती हूँ ना, तब मेरे सिचुएशंस को इमेजिन करना, कहानियाँ बनाने की आदत अभी भी वही है, और शायद इसी अकेले अकेले वाले गेम की वजह से ना मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ, आपको कहानियाँ और कविताएँ सुनाती हूँ इसी गेम की वजह से। वैसे तो मेरा बचपन और ये अकेले अकेले वाला गेम गुम हो चुका है, लेकिन कभी
खामोश बैठती हूँ या फिर डिप्रेस्ड होती हूँ तो यही पल वापस याद आके मुझे हंसाते हैं, मुझे गुदगुदाते हैं और मुझे बताते हैं कि क्यों निराश होती हो, क्यों निराश होती हो, एक तुम्हारी एक अलग दुनिया है, ये तुम्हारी दुनिया नहीं है, तुम्हारी एक अलग दुनिया है तो जो तुमने अपने सपनों से सजाई थी, वो मासूम सपने जब तुम्हारी हकीकत थे, जब वो जिससे जिन सपनों को तुम जीते थे, आज तुम उसे क्यों भूलते जा रहे हो? वो बचपन का मासूमियत भरा दिमाग और प्यारा सा दिल को याद करो, जब छोटे छोटे पल हम जीते थे, जब अपनी इमेजिनेशन से हम डिज्नीलैंड पहुंच जाते थे। वो दुनिया आज भी है, वो दुनिया हमेशा रहेगी, वो दुनिया आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है, जहाँ तुम्हारी वो खिलखिलाती हुई हंसी की खिलखिलाहट और उसकी गूंज वहाँ पे उसके वातावरण को अभी तक गुंजा रही है। कभी जाना वहाँ पर, वो इंतजार कर रही है, कभी जाना, वो बचपन है, इंतजार कर रही है। थैंक यू गाइस। दोस्तों थैंक यू सो मच, आप लोग पोएट स्पेस को इतना प्यार दे रहे हैं, आप ही के प्यार की बदौलत है कि पोएट स्पेस आज अपना 10th इवेंट कंप्लीट कर रहा है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में हमें बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।